आपके एक एक्शन लेने से मुल्क की मैशियत का अरबों डॉलर का नुकसान होगा। और ये मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त एफबीआर ने जो पिछले लॉकडाउन की वजह से हम ताजिरों से और सनअतकारों से एडवांस टैक्स की मद में 300 अरब रुपए से ज्यादा लिए हुए हैं, ये अगले फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट होने हैं। तो आपकी मैशियत जमू वाली का शिकार है, ये सिर्फ आप पेपर पे इसको फिगर को पूरा करके ब्यूरोक्रेसी आपकी मैशियत चला रही है। फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि हम बंद करने के हक में नहीं है, तो फेडरल गवर्नमेंट क्यों नहीं खुलवा पा रही? फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई ना कोई टाइम के अंदर ऐसी चीज मौजूद होगी कि वो फौज को उतारे, किसी और इदारे को उतारे और इस शहर की मैशियत को चलने दे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ताजिर दुश्मनी, मैशियत दुश्मनी और मुल्क दुश्मनी का किरदार अदा कर रही है। हम इस वक्त आप एक चीज देखेंगे, फर्स्ट से लेकर 5 तारीख तक स्टाफ को सैलरीज मिलती है। ये वो स्टाफ है जो पूरा महीना मेहनत करता है और 5 तारीख तक वो जब उसको पैसे मिलेंगे तो राशन वाले को पेमेंट करेगा, अपने दवाइयों का बिल का मसला होगा, कितना मसाइल हो रहे हैं। तो हम इस पोजिशन में आप नहीं है कि 9 तारीख को मार्केटें खुलेंगी तो हम तनख्वाही दे पाए। मैं जिम्मा मार्केट की तरफ से और मेरे से रेफिलेशन जितनी मार्केट से हमारे ताजिरों ने 1 तारीख से इस माह के लिए जो हमारे पास स्टाफ माना बुनियाद पर काम करता है उनको हमने फारिग करने का ऐलान किया। हम जब तक ये लॉकडाउन का मसला हल नहीं होता, हमने पहले 50% अपना स्टाफ निकाला था, अब हम 25% स्टाफ और निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं है कि अब हम बर्दाश्त कर पाएंगे। जितनी भी मार्केटें बंद हुई हैं, आपने यहाँ किसी का टेस्ट किया है कि यहाँ लोग हम लोग कोरोना फैला रहे हैं? ये तो वो लोग आप जो फराम कर रहे हैं, जो लोग बीमार होते हैं, खांसी नजला बुखार हो रहा है, वो टेस्ट कराता है, वो पॉजिटिव आता है। आपने हमारी मार्केटों में जो आपने जिसपे इम्प्लीमेंट करा है आज तक के वो चेक नहीं किया। आप हम कहते हैं आइए वो चेक करें ताकि वो लोग जो बेहतर हैं वो अपना कारोबार करें। आपने सारा कारोबार बंद करा दिया, कोई हमको रिलीफ नहीं दिया, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो। फेडरल गवर्नमेंट भी बयान दे देती है कि ये गलत कर रहे हैं लेकिन उसको रोकती नहीं है। मैं फेडरल गवर्नमेंट से कहता हूँ कि जितने लोग जो इनकम टैक्स पेयर हैं सबके अकाउंट में जो है 3-3 लाख रुपए जमा कराएं आप, जो अकाउंट पे जो इनकम टैक्स पेयर है ताजिर तबका उस पर कराएं, ताकि वो अपने जो लोग हैं जो अपने वर्कर है उसको किराए उसको उसकी सैलरी दे सके। आप कहते हैं कराची में वबा फैल गई है, कराची को आफतजदा करार दे दें आप, कराची हैदराबाद को आफतजदा करार दे दें, सारे टैक्स माफ कर दें। हम फेडरल गवर्नमेंट को और सिंध गवर्नमेंट को जब तक लॉकडाउन चलेगा कोई टैक्स नहीं देंगे आप। अब ये आपकी जिम्मेदारी, आप लोग जो बिजली के बिल हैं, जो गैस के बिल हैं लोगों के, क्योंकि आप तो कारोबार कर ही रहे ना, अब तो कारोबार बंद है तो किस तरह हम बिजली के बिल देंगे? यहाँ बिजली का बिल ले लो तो वो लाइन काट देता है। अब जो है जो लोग जिनकी लाइन कटी है वो एहतजाज नहीं करेंगे, क्या करेंगे वो लोग? हम बार बार दरख्वास्त करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, कोई सुनने के दौरान फिर लॉकडाउन हुआ। अब ये जो लॉकडाउन जो किया गया है इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, जो हमारी गुजारिशात हैं वो मानी जाए, और इसमें अगर इसमें इजाफा हुआ तो हम फिर जो है दुकानें खोलेंगे अपनी, हम फिर दुकानें अपना कारोबार खोलेंगे, क्योंकि हम जो है अब नई मजीद जो है वो तकलीफ और जो है परेशानी नहीं कर सकते। बहुत लोग हो गए, बहुत परेशान हो गए, जो कुछ जुल्म हो रहा है वो हमारे साथ ही हो रहा है। देखिए 17,000 टेस्ट किए गए, जिसकी पहली रिपोर्ट आई कि जी 17,000 टेस्ट किए गए हैं, 17,000 टेस्ट का रिजल्ट 3.5 करोड़ के शहर पे थोप दिया गया। अगर यही टेस्ट 34,000 और 51,000 तक बढ़ा दिए जाएं या इससे ज्यादा टेस्ट किए जाएं तो रेशियो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, क्योंकि हर चलने फिरने वाले को कोरोना नहीं है। तो ये टेक्निकल चीज़ें जब इन्हें बताई जा रही हैं तो इसको डिनाई कर रहे हैं। कल कैसर सज्जाद साहब ने ये बैठकर कहा है चैनल्स पे कि हमारे पास टेस्टिंग का रेशो अच्छा नहीं है, हमें टेस्ट करने की हमारे पास सहूलत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप टेस्ट ही नहीं करेंगे, ये सिर्फ वो कहते हैं जी ये हम जो आपको रेशो दे रहे हैं, ये परसेंटेज दे रहे हैं, ये सिर्फ लेबोरेटरीज से हम लेके वो आप तक पहुँचा रहे हैं कि जी किस हद तक बढ़ गए, या मरीज देखते हैं हम कि मरीज तो पूरे इंटीरियर सिंध से आ रहे हैं, पूरे इंटीरियर सिंध से मरीज कराची में एडमिट किए जा रहे हैं, और कराची के साथ
बहुत ज्यादा सख्ती इसलिए की जा रही है, कराची में कोरोना बहुत है, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या कोई दूसरी जो पार्टियां हैं, सारी तंजीमों ने अभी गिलगित बल्तिस्तान में और मुख्तलिफ जगहों पे जहां जहां इनके इलेक्शन होने थे वहां हजारों लाखों के मजमे इकट्ठे किए, रैलियां निकाली और बाकायदा इन्होंने बड़े बड़े इज्तम जमा किए और पूरे मुल्क से लोगों को बुलाया। जब वो लोग वापस आए तो कोरोना उन्होंने फैलाया, इसका कसूर ताजिरों पर क्यों डाला जा रहा है।